दोस्तों फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर में तुम लोगों ने रेड कस्टम कार्ड के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। सामने तुम लोगों को दिख रहा है रेड कस्टम कार्ड, ये फ्री फायर में लॉन्च होने ही वाला है मेरे हिसाब से। मतलब लॉन्च तो ये बहुत पहले ही होने वाला था, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत थी इसलिए लॉन्च नहीं हुआ। तो मैं आज बताऊंगा रेड कस्टम कार्ड क्या है, इसमें क्या फायदा होगा और ये रेड कस्टम कार्ड येलो कस्टम कार्ड से क्या डिफरेंस है। मतलब जो अभी कस्टम कार्ड होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन रेड कलर का कस्टम कार्ड आने वाला है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा और रेड कस्टम कार्ड कब लॉन्च होगा, ये सारी बातें रेड कस्टम कार्ड से रिलेटेड आज इसी वीडियो बता दूंगा। तो ये वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट की है, तो ये वीडियो हर बंदा पूरी देखना। लेकिन वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो नीचे पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दो और हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाओ भाई। नीचे पे तुम लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दो भाई, भूलना मत सब्सक्राइब करना ताकि तुम भी हमारे चैनल का एक पार्ट बन जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं रेड कस्टम कार्ड दिखता कैसा है। तो सामने तुम लोगों को साफ-साफ दिख रहा होगा रेड कस्टम कार्ड ऐसा दिखता है, जो येलो कस्टम कार्ड होता है वैसा ही दिखता है लेकिन वो रेड कलर का होगा। और दूसरी बात, रेड कस्टम कार्ड क्यों लॉन्च हो रहा है? मतलब पहले से एक येलो कस्टम कार्ड तो है ही ना, तो रेड कस्टम कार्ड क्यों लॉन्च हो रहा है? तो रेड कस्टम कार्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि यार कस्टम कार्ड में आजकल कितना क्रेज है तुम लोगों को पता ही होगा। फ्री फायर के प्लेयर्स आजकल क्लासिक रैंक खेलने से ज्यादा तो कस्टम खेलते हैं, और तुम्हें भी कस्टम सबसे ज्यादा पसंद होगा और तुम भी कस्टम खेलना बहुत पसंद करते हो। इसी फ्री फायर के प्लेयर्स के क्रेज को देखते हुए फ्री फायर वालों ने रेड कस्टम कार्ड बनाया है। और इस रेड कस्टम कार्ड में क्या है ये भी बता देता हूँ। इस रेड कस्टम कार्ड में एक्स्ट्रा चीजें होंगी भाई, जैसे कि जो येलो कस्टम कार्ड था अभी तक उसमें तो सिर्फ हम लिमिटेड एमो नो यस कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के नो यस कर सकते थे, लेकिन जो रेड कस्टम कार्ड होगा इसमें बारीकी चीजें हम लोग हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मतलब हम कोई भी गन चाहे वो हटा सकते हैं लगा सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे M4A1 या M10 हमें ज्यादा पसंद आती है, हम चाहते हैं कि पहला राउंड हम M10 से स्टार्ट करें, तो हम M10 को 50 कॉइन में खरीद लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत कम कॉइन मिलते हैं ना, तो हम कम कॉइन में उसको सेट कर देंगे M10 को ताकि हम स्टार्टिंग से M10 से कर पाए। और ऐसी सारी गनों के लिए, मतलब हम किसी भी गन को कितने भी कॉइन में कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, करेक्टर के लिए भी बहुत कुछ चीजें और एक एक बारीकी से बारीक चीजें इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं कस्टम कार्ड स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए रेड कस्टम सबसे यूनिक होने वाला है और लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो तुम लोग बोलोगे अभी तक रेड कस्टम कार्ड लॉन्च भी नहीं हुआ अगर इतना तगड़ा है रेड कस्टम कार्ड। तो दोस्तों रेड कस्टम कार्ड बहुत पहले लॉन्च होने वाला था, अभी से 3-4 महीने पहले रेड कस्टम कार्ड बस लॉन्च होने ही वाला था, लेकिन यार उससे पहले टेस्ट के लिए फ्री फायर के प्लेयर्स को रेड कस्टम कार्ड खेलने को दिया था, लेकिन उन लोगों को रेड कस्टम कार्ड में बहुत सारी ग्लिच दिखे और रेड कस्टम कार्ड ज्यादा पसंद नहीं आए, इसलिए अब रेड कस्टम कार्ड को और अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद ही रेड कस्टम कार्ड को फ्री फायर में लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों तुम लोग कमेंट में जरूर बताना तुम लोगों को रेड कस्टम कार्ड की एक्साइटमेंट है या नहीं, वो कब आएगा करके। भाई मुझे तो है क्योंकि बहुत मजा आने वाला है रेड कस्टम कार्ड खेलने में, उसमें यार हम कोई भी गन को कितने भी कॉइन का कर सकते हैं और किसी भी गन को कितना में भी खरीद सकते हैं, और भी बहुत कुछ मजा आने वाला है रेड कस्टम कार्ड में। तो यार ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए टाटा बाय बाय।